हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एसडी पर। जैसा कि हमारे सीवी देखें पीएचपी ट्यूटोरियल और ये हमारा पीएचपी ट्यूटोरियल 16 है, जिसमें हम देखेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट हर एक को। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डॉलर अंडरस्कोर गेट को देखा था, जिसका कुछ ड्रॉबैक था कि वो जो भी वैल्यू थी वो यूआरएल पे डिस्प्ले कर रहा था। तो इसलिए हम आज पोस्ट देखेंगे, पोस्ट का यूज करते हैं वो क्या होता है। यूज वही है जो गेट का था कि हम एक वेरिएबल से अनदर वेरिएबल में वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इसकी सिक्योरिटी थोड़ी अच्छी होती। तो मैं गेट की जगह पोस्ट लिख देता हूँ। पोस्ट देन चेंज, बस इतना करना है कि जहाँ जहाँ आपने गेट में गेट लिखा उन जगहों पर पोस्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ मैंने पोस्ट लिखा, देन पोस्ट हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, इसका मेन ध्यान रखें। यहाँ पर लिखा पोस्ट, पोस्ट देन। अब हम सेव करके इसका अंतर देखते हैं। तो रिफ्रेश किया, सिंपल ब्लिंक कर लेता हूँ और देन यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं। देन यहाँ में लिखता हूँ माय प्रोजेक्ट एचडी। देन जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए माय प्रोजेक्ट एचडी डिस्प्ले तो पहले के जैसे ही हुआ, लेकिन इस बार इसने यूआरएल पर कुछ शो नहीं करा। हमारी जो गेट मेथड थी वो यूआरएल पर शो कर रही थी, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। जैसे मैं एक और लिख देता हूँ हेलो, देन क्लिक किया, फिर ये हेलो तो आ गया, लेकिन इसने कुछ डिस्प्ले नहीं किया। तो इस तरह हमारी जो पोस्ट मेथड है वो सिक्योर रिटर्न से अच्छी, इसलिए इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो हम गेट और पोस्ट मेथड दोनों का यूज़ करके किसी टेक्स्ट फील या अदर किसी कंट्रोल की वैल्यू को हम हमारे पीएचपी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उनका यूज़ कर सकते हैं, डॉलर और पोस्ट, पोस्ट और गेट मेथड का यूज करके। तो फ्रेंड्स, अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसकी रिसेंटली अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।